हाय गाइस, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय अनदर ब्लॉग। सो हमारे घर के पास में एक छोटा सा मॉल है, तो हम लोगों ने सोचा क्यों ना वहाँ चलें और थोड़ा वॉक वगैरह भी हो जाएगी और कुछ पेट पूजा भी हो जाएगी। तो हम पहुँचे इस मॉल में और यहाँ पर सब कुछ है गाइस, सब कुछ है। आपको जो चीज़ चाहिए आपको सब मिलेगा, खाने पीने से लेके स्नैक्स वगैरह सब कुछ है आपको मिलेगा। सो हम लोग यहाँ से पहुँचे हैं हल्दीराम में। हल्दीराम में हमने सोचा आज क्यों ना छोले भटूरे खाए जाए यहाँ के, तो हम पहुँचे हल्दीराम। एंड गाइस, मैंने ना एक चीज़ डिसाइड की है कि मैं ऐसे आपको हाय या हेलो नहीं बोलूँगी, मैं आपको बोलूँगी जय श्री कृष्णा, क्योंकि ना मैं कृष्ण जी को बहुत ज़्यादा मानती हूँ और मैं अपनी फैमिली मेम्बर्स को ना हमेशा जय श्री कृष्णा करके ही ग्रीटिंग करती हूँ। तो मैंने डिसाइड किया है क्योंकि आप भी हमारी फैमिली हो, तो मैं आपको भी आज से जय श्री कृष्णा करके ही ग्रीटिंग करूँगी। एंड गाइस, हमने जब एंटर किया ना यहाँ पर, तो मुझे यहाँ की डेकोरेशन बहुत प्यारी लगी, थोड़ी ना राजस्थानी लुक में थी और वहाँ पर वो कलरफुल सी डेकोरेशन मुझे बहुत अच्छी लगी थी, पर्सनली मुझे बहुत अच्छी लगी। और ये था हल्दीराम के स्टॉल जो यहाँ पर लगे हुए थे, यहाँ के स्नैक्स, यहाँ की स्वीट्स, मतलब मुझे ना हल्दीराम की पर्सनली ना भुजिया बहुत पसंद है। आलू भुजिया मैं जब भी जाती हूँ मैं ना आलू भुजिया ज़रूर ले लेती हूँ यहाँ से, मुझे बहुत अच्छी लगती है, हर जगह मिल जाती है बट ठीक है, मेरे को बहुत पसंद है। एंड हमने यहाँ पर ऑर्डर किए थे पाव भाजी मैंने छोले भटूरे बोले थे लेकिन हमने छोले भटूरे के साथ साथ पाव भाजी भी कर ली थी। तो मैंने कहा गगन आज आप छोले भटूरे खाना और मैं पाव भाजी खाऊंगी, तो ये गगन ने स्टार्ट किया अपने छोले भटूरे। मैंने सोचा पहले यहाँ का गगन से पूछे कि आपको यहाँ के टेस्ट कैसे लगता है, तो गगन का तो साइड से ओके आ गया, उनको तो बहुत अच्छे लगते हैं। हल्दीराम के टेस्ट वैसे भी अच्छे होते हैं, हल्दीराम के छोले भटूरे हो गए या पाव भाजी हो गई या कोई भी चीज़ ले लो, यहाँ का टेस्ट मुझे हमेशा से अच्छा लगा है। तो मैंने पाव भाजी ट्राई की थी, एक्चुअली दोनों चीज़ दोनों लोगों ने मिल बांट के खाया था, थोड़ा उन्होंने मेरा खाया मैंने भी थोड़ा उनका खाया। और हमने ली थी लस्सी, मीठी लस्सी, जो हमारे मुकुंद को बहुत पसंद है, मैं उसको घर पे भी बना के देती हूँ, उसको मीठी लस्सी बहुत अच्छी लगती है गाइस। तो मैंने कहा यहाँ पर भी उसको मैं पिला दूँ थोड़ी सी, और वो बहुत शौक से पी रहा था, उसे बहुत अच्छी लगती है। एंड उसके बाद हम वापसी के लिए निकल गए। एंड ये था हमारा आज का ब्लॉग, आप लोग को कैसा लगा मुझे ज़रूर कॉमेंट सेक्शन में बताइएगा। एंड दैट्स इट गाइज, ओके गाइज, बाय बाय।